नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजे टीवी जनता की आवाज़। मैं प्रकाश कुमार पंडित, कैमरामैन धीरज कुमार बेला के साथ आज बेलागंज के ब्लॉक में उपस्थित हैं। यहां आपदा के बारे में बताया जा रहा, जनप्रतिनिधि लोग भी उपस्थित हैं। आज सर प्रतिनिधियों का बैठक जो बैठ गया था सर, आज जो है सर के आदेश पे आज 21 तारीख को 21 मई 2024 आपदा से संबंधित जिले से एसडीआरएफ की टीम के हम लोग का इस जिले में उत्तरी स्तरीय जितने भी पंचायत के जनप्रतिनिधिगण हैं, यहाँ के जितने पदाधिकारीगण हैं, कर्मीगण हैं, सबको इस चीज़ के बारे में बताया गया। विशेष रूप से पानी के बारे में, वज्रपात के बारे में और लू के बारे में बताया गया कि बचाव कैसे करना है, ताकि कोई भी अगर हमारे यहाँ आपदा आता है तो हम लोग कम से कम जान या माल के नुकसान से हम लोग बच सकें। इसमें किस किस आपदा के बारे में जानकारी? इसमें जो एसडीआरएफ की जो टीम जो टेक्निकल रूप से बाढ़ के बारे में बताया गया, लू के बारे में तथा ठंडा या हम लोग इसको वज्रपात कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं, उसके बारे में डिटेल रूप से डेमोन्स्ट्रेशन के साथ बताया गया। सर इस बैठक में कौन कौन शामिल हुए? इस बैठक में हमारे पंचायत समिति के हमारे उप प्रमुख साहब, हमारे सीओ साहब, हमारे डीपीआरओ यहाँ उपस्थित थे, सारे ब्लॉक स्तरीय प्राधिकारीगण थे, जिला से आए हुए हमारे एसडीआरएफ की टीम थी, और साथ ही साथ यहाँ पर मुखिया जी, हमारे पंचायत सारे समितिगण और पंच वार्ड तथा यहाँ के इस ब्लॉक तथा अंचल के सारे हमारे कर्मीगण उपस्थित थे। सर बैठक करने का मेन उद्देश्य क्या है? सर मेन उद्देश्य है कि अभी आने वाले समय में बाढ़ की भी स्थिति आ सकती है, अभी लू तथा मतलब गर्मी का प्रकोप चल रहा है, लोगों को अवगत कराना मेन है कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है अपने अपने पंचायतों में जाए, लोगों को जागरूक करें, ताकि कम से कम हमारी आपदा क्षति हो सके। सर ये मुख्य रूप से इस मंच को संचालन का मेन उद्देश्य क्या है सर, ये बताओ? उद्देश्य है सबको जागरूकता फैलाना। जागरूकता, ठीक, धन्यवाद। सर एक चीज़, ग्रामीण क्षेत्र में जो वज्रपात से बचाव के लिए सर कुछ बताइए। देखिए ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, वज्रपात जहाँ भी आता है वहाँ पर बचाने और ये बचाव का एक ही तरीका, अगर आपको पता है, जैसे सबसे बढ़िया हमारा जो इंद्र वज्र ऐप है, अगर आपको पहले ही, अगर वो आजकल सारे लोग स्मार्टफोन लेके चलते हैं, अगर वो ऐप तो आपको कम से 30 मिनट पहले सूचना दे देता है कि इस एरिया में होने वाला है, मतलब हो सकता है, कोई भी नहीं है, मतलब होने वाला है बता देता है, तो आप उसी जगह से अपने आप को मतलब उसको डे मान करके अपने सही जगह पे चले जाइए। तो ग्रामीण इलाके में भी जैसे मान लीजिए हमारे मलबैया खेती वाले जो भी लोग अगर जाते हैं तो उनको अगर आजकल तो मेरे ख्याल से तकरीबन वो लोग भी लेके जाते हैं, तो उस एरिया में ना जाएं, या मौसम देखते हैं कि अगर मौसम बिगड़ रहा है यानी क्लाउडी मौसम हो रहा है तो अपना सुरक्षित के लिए अपने घर की तरफ वापस आएँ, और यही कह सकते हैं। और खाली खेत खलिहान में हैं अगर उनको महसूस होता है तो 30 मीटर के दायरे में अगर कहीं बिजली गिरती है तो उसका जो दायरा होता है तो उस बचने की कोशिश करें, जिनका तरीका हम उनको बताया है। आप अगर खुले में हैं तो किस पोजिशन में, इसको हम लोग कह सकते हैं। यदि आप किसी डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर से मिलने जाए, बोले कि हमको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आपको सजेस्ट करें कि आप छोटे समय निकलो अपनी पोजीशन पे सोए, यानी जिसे हम लोग करवट कहते हैं, ठीक। तो कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो उसको क्या है कि लेफ्ट साइड में करवट रिकवरी पोजीशन पर सो लेना चाहिए, और उसके बाद क्या करना चाहिए, उसका सर हमेशा पानी के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। बाई चांस रिकवरी पोजिशन में लेटाने के लिए यदि वो होश रहा है, यदि उसका मुंह पानी के डायरेक्शन में होगा तो पानी को देख के डर जाएगा और हार्ट अटैक का चांस रहता है। तो डूबते हुए व्यक्ति को जैसे पानी से बाहर निकालेंगे, रिकवरी पोजिशन पे लेटाएंगे, और रिकवरी पोजिशन की दिशा में होना चाहिए पानी के विपरीत दिशा में होना चाहिए, और उसके बाद उसका जो भी वाइटल साइंस होता है उसको चेक करना है, वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसका मुँह नाक में डूबने पे क्या है बाल उठा जाता है, ठीक, तो देखना कि सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, मुंह में कोई फंसा है कि नहीं फंसा है, उसके बाद उसका कौन जांच करना है, यदि देखना कि सांस ले रहा है, कौन चल रहा है, उसका पेट फूला हुआ है इसका मतलब कि वो पानी पी लिया, तो पेट से पानी निकालने का भी बहुत तरीका होता है, यहाँ पे हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में आपको दिखाएंगे, यदि कोई व्यक्ति पेट पानी पी लिया है तो पेट से पानी कैसे निकालते हैं। आपको देखना
आप इसके सर इधर टर्न करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे इसके हाथ को ऊपर कर देंगे इस तरह से, पहला हाथ, दूसरा हाथ क्या करेंगे ये जो ये पैर को क्या करेंगे इस पोजिशन पर ला देंगे, हाथ को क्या करेंगे इस तरह से कर देंगे ठीक, और अपना सब टर्न कर देंगे। रिकवरी पोजीशन है, उसके बाद देखना है कि सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, मतलब कुछ फंसा है कि नहीं फंसा है, उसका टेरेटिव पल्स करना है एक, यदि ये दोनों चल रहा है तो ठीक है, देख रहे कि पेट फूला हुआ है तो इसका मतलब पानी पिया है, तो पेट से पानी निकालने का भी तरीका होता है। पहला तरीका क्या करना है कि दोनों घुटने को फोल्ड कर देना है, दोनों घुटने को फोल्ड करना है, उसके सर को हमेशा पानी के विपरीत दिशा में टर्न कर देना है इसे ठीक, और उसके बाद क्या करना है आराम से इस तरह से क्या करना है इस तरह देखना है पेट में क्या करेंगे दबाव देंगे इस तरह से। दूसरा तरीका है कि दोनों पैर को फैला लेंगे और क्या करेंगे आराम से यहाँ पीछे पकड़ेंगे इसे और क्या करेंगे इस तरह से जल के देंगे, नहीं तो आपके पास तसला होता है तसला भी यहाँ पे रख देना है आराम से ऐसे करना है, यदि तसला नहीं है तो कोई सोच लेकिन को ऐसे ले जा देंगे और इसे ऊपर रख देंगे ठीक, ये हम पेट से पानी निकालने का तरीका है।